तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सैनिक स्कूल क्लास सिक्स का जितना भी आंसर की है सारे सेट का, चार सेट हैं, सेट जे जे के एल और एम, ये चार सेट्स हैं सैनिक स्कूल के क्लास सिक्स का। और मैं इन सारे सेट्स का जो है टू दी पॉइंट जो है आंसर की बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप जो है अपना जो भी क्वेश्चन है आपका क्लास सिक्स का वो आप लेके बैठ जाएं, और उसके बाद आप अपना जो है सेट का जो है क्वेश्चन जो है वो मैच कर ले टू दी पॉइंट। और आपको इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको आंसर जो है मैच करवा दूंगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए, क्योंकि बहुत टाइम ही लगेगा इतने सेट्स को बताने में। तो इसलिए ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आंसर की को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम अभी बात करेंगे इंग्लिश के आंसर की का, ठीक है। ये है सेट जे। अभी मैं सेट जे का जिन जिन का पेपर जो है सेट जे है क्लास सिक्स का, तो वो लोग अपना आंसर की मैच कर ले। तो मैं अभी सेट जे का बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में सेट जे का। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर होगा थ्री, शीप एंड शेप्स। सेकेंड का आंसर होगा टू, डजंट सी, ठीक है। थर्ड का आंसर होगा थ्री, सिंगुलर। फोर्थ का आंसर होगा थ्री, इम्परेटिव, ठीक है। फिफ्थ का आंसर होगा हमारा सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिक्स्थ का आंसर होगा हमारा फोर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ की ओर, एक मिनट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेवेंथ की ओर, हमारा सेवेंथ किधर गया। सेवेंथ है हमारा, सेवेंथ का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, फ्लीट। एट्थ है, एट्थ का आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर हो जाएगा हमारा सी, थ्री, आई एम डूइंग, ठीक है। टेंथ, टेंथ का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ट्वाइस। इलेवेंथ का आंसर हो जाएगा ए, कावर्ड, ठीक है। ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा बी, आस्क पोलाइटली। जो है अपना आंसर की आप मैच करते जाइए, ये मैं इंग्लिश का मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। सेट जे है, जे सेट का है, तो आप मैच कीजिए अपना। उसके बाद बाकी सेट का जो है आप अभी वेट कीजिए, ठीक है। मैं बाकी सेट भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने बताया क्या है, बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर टू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का भी ए होगा, सिंसियरिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 का होगा फर्स्ट हु। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा डी, नो आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा सी, ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, बिहाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा बी, डियर एंड देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का अब आता है पैसेज। तो पैसेज का भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि पैसेज का आंसर क्या होगा। 21 का होगा बी, आप मैच कर लीजिएगा। 21 का होगा बी, इंग्लैंड। 22 का होगा बी, ठीक है। 23 का होगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ, ठीक है। 24 का होगा सी, मतलब यानी थर्ड, थ्री एडजेक्टिव। 24 का होगा थर्ड एडजेक्टिव। 25 का होगा फर्स्ट ये रिसीव। तो ये था इंग्लिश का। तो आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं जल्दी से मैथमेटिक्स की ओर, कि मैथमेटिक्स में आपका कितना सही है कितना गलत है आप मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले 26 का होगा डी, फोर्थ, ठीक है। 26 का होगा फोर, 27 का होगा वन, 28 का होगा फोर, ठीक है। 29, 29 का होगा टू, 30 का होगा थ्री, 31 का होगा फर्स्ट, ठीक है। 32 का होगा फर्स्ट एक्यूट एंगल। 33, 33 का होगा सी, मतलब यानी ओनली एंगल सी, थर्ड। 34, 34 का होगा टू, ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ठीक है। अब आते हैं 35, 35 की ओर है। 35 का होगा फोर, 36 का होगा थ्री, 37 का होगा थ्री, ठीक है।
38 का कितना होगा हमारा, देखा जाए तो 2। 39, 39 का होगा फर्स्ट, 40, 40 का होगा फोर्थ, ठीक है। 40 का देख लेते हैं, 40 का क्या होगा, 40 का होगा फोर्थ, बोथ ए एंड डी, 40 का होगा फोर्थ। 41 का होगा फोर, 45 डिग्री। 42 का होगा फोर्थ, 3 एंड 5, 3/5, ठीक है। अब मैच करते जाइए अपना, जिनका सेट जे है वो अपना मैच कर लीजिए आसानी से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, और बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो आप आसानी से मैच कर लीजिए। अब कोई भी सेट वेट का लफड़ा नहीं है, मैं सारे सेट का भी बता दूंगा, तो आप आसानी से मैच करते जाइए। एक ही वीडियो में आपको फुल आंसर की मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा आंसर 3, ठीक है। 3 के बाद 44 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा 4, 3:5। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, 46, 46 का हो जाएगा 3, 47 का हो जाएगा फर्स्ट, 48 का हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, लास्ट में 48 का फोर्थ। मैच करते जाइए आप लोग, ठीक है। 49 का हो जाएगा फोर्थ, 50 का हो जाएगा 2, 51 का हो जाएगा फोर्थ, 51 का हमारा हो जाएगा फोर्थ, 51 का हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है। 52 का हो जाएगा, 52 का हो जाएगा 3, 6 होल 1, 6 होल 1/4%, ठीक है। अब आता है 53 पे, तो 53 का हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 54 का हो जाएगा हमारा, 54 का हो जाएगा हमारा 3, 55 का हो जाएगा हमारा 3, 56 का हो जाएगा हमारा 4, 57 का हो जाएगा हमारा ए, 57 यहाँ पे है तो इसका ए हो जाएगा, 71 और 73, 57 का हमारा ए हो जाएगा। तो उसी पे अब आते हैं 58 की ओर, तो 58 का हमारा हो जाएगा सेकेंड स्केलेन एंड राइट ट्रायंगल, ठीक है। और मैच करते जाइए और अपना मार्क्स जो है लास्ट में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 59 का पे आते हैं, 59 का आ जाएगा इसमें 1, ठीक है। 60, 60 का आ जाएगा 3, 6000, ठीक है। और 61, 61 का आ जाएगा 2, 60%, ठीक है। 61 का है 2, 60%, 62, 62 का है फर्स्ट, ठीक है, 62 का फर्स्ट। 63 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 64 का आंसर हो जाएगा हमारा 64, एक मिनट, 64 का आंसर है 2, ठीक है, 64 का आंसर है 2, 65 का आंसर है 2, 66 का आंसर है 1, ठीक है, 120 डिग्री, 66 का आंसर है 1, 67 का आंसर है 3, 67 का क्या आंसर आ जाएगा, 3, 77%, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 68 की ओर, अब 68 का क्या आंसर हो सकता है, तो इसका जो है ये एक जो है ये एक्सेप्शन बोनस मार्क्स इसमें मिलेंगे, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें बोनस मार्क्स आप लोग को मिल सकते हैं, आप लोग को जो है मिलेगा इसमें बोनस मार्क्स, ठीक है, क्योंकि इसका असली आंसर अगर देखा जाए, करेक्ट आंसर, तो एक मिनट, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा 36,000, ठीक है, मतलब 3,60,000 इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है 3,60,000। तो इसका इसमें जो है बोनस मार्क सभी बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। 69 पे आते हैं, 69 का क्या है, 69 का है डी, ठीक है, 4, यानी 4, ठीक है, 69 का होगा 4। 70 का क्या है, तो 70 का है सी, सॉरी 3, फैक्टर्स ऑफ 24, 70 का है 3, 71, 71 का है 2, 12, 72
थ्री का है थ्री, 32,375। ठीक है, 73 का है सी, यानी थ्री थर्ड चार। ठीक है, 74 का है थर्ड 1/6, 74 का है थर्ड 1/6, और 75 यानी लास्ट जो है इसका है बी। तो ये था मैथ्स का आंसर। तो आप कमेंट करके बताइए कि कितना आपने स्कोर किया मैथ्स में। अब जल्दी से तुरंत आगे बढ़ते हैं दूसरे जनरल नॉलेज की ओर। सेक्शन सी है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में अब यहाँ पे बात करते हैं, 76 का होगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 77 का होगा सी, हुगली। 78 का होगा हमारा डी, यानी फोर, जय विलास पैलेस। 79 का होगा जनकपुर। ठीक है, 80 का होगा हमारा स्वीट पोटैटो, यानी ऑप्शन नंबर टू। इसका होगा टंग, 81 का वन, 81 का ए वन टंग होगा। फिर 82 का हो जाएगा, 82 का हो जाएगा बी, सरयू। ठीक है, 82 का हो जाएगा बी, सरयू। 83 का हो जाएगा, 83 का हो जाएगा फर्स्ट, 83 का फर्स्ट। 84 का क्या हो सकता है? तो 84 का हो जाएगा डी, यानी कैमल, फोर कैमल। ठीक है, 85 का हो जाएगा थ्री, सी हॉर्स। 86 का हो जाएगा सिक्किम, हाँ 86 का हो जाएगा सिक्किम थर्ड। 87 का फर्स्ट, स्पीडोमीटर, स्पीड मेजर करता है स्पीडोमीटर। ठीक है, 88 का हो जाएगा फोर, स्केटबोर्डिंग। 89, 89 का हो जाएगा टू, पद्म विभूषण। ठीक है, 90, 90 में हम विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद 90 का हो जाएगा फर्स्ट। 91 का भी हो जाएगा फर्स्ट हमारा। माउंटेन्स जो है रेंज होते हैं, उसको रेंज बोलते हैं, लाइंस में रेंज होते हैं। तो अब 92 का बात करते हैं, 92 का आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, 92 का आंसर हो जाएगा फोर। 93, 93 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एलिफेंट। 94 का आंसर हो जाएगा टू, विटामिन डी। 95 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 96 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर 96 का भी आंसर जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 97 का भी आंसर जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 98 का जो आंसर जो है, 98 जो है उसका आंसर सेकेंड। 99 का हो जाएगा फर्स्ट, और लास्ट जो 100 जीके का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसका आंसर जो है ए, नाइट्रोजन हो जाएगा, सिंपल। तो अब आते हैं इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग की तरफ। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि आपका कितना मार्क्स स्कोर हो रहा है। तो तुरंत अब मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट का 101, क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर फोर आंसर है 49। और उसके बाद 102 का है ऑप्शन नंबर थ्री, 103 का है ऑप्शन नंबर थ्री, 104 का है ऑप्शन नंबर, कौन सा बोलिए, ऑप्शन नंबर फोर, क्योंकि ऑड कौन है, बुक पेंसिल इरेजर में से कंप्यूटर ऑड है। ठीक है, 105 का देखा जाए तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, 106 का हो जाएगा थ्री आंसर। ठीक है, 106 का आंसर थ्री, 107 का आंसर फोर, 108 का आंसर जो है टू, 109 का जो आंसर है, 109, 109 का आंसर जो है वन। ठीक है, 109 का आंसर जो है वन। 110, 110 का आंसर जो है वो हो जाएगा फोर। ठीक है, 110 का आंसर जो है वो फोर हो जाएगा। 111 का आंसर जो है वो भी फोर। ठीक है, 111 का आंसर जो है फोर। 112 का आंसर जो है वो फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा। 113, 113, 113 का आंसर जो है वो क्या हो सकता है, फोर। ठीक है, सिक्स, हाँ 113 का आंसर जो है वो सिक्स हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं 114। तो 114 में है, 114 का आंसर जो है वो बी होगा, टू। एक मिनट,
काल्व्स हील एंकल। अच्छा एक मिनट में बताता हूँ, 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू जो है इसका आंसर हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर हो जाएगा। 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर जो है 116 का आंसर है, मैच करते जाइए। ठीक है, 117 की ओर बढ़ते हैं। 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। ऑप्शन नंबर थ्री 118 का ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1352। 119 का भी ऑप्शन नंबर वन। 120 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थ्री, और उसके बाद 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। 122 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 122 का ऑप्शन नंबर थ्री। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, थ्री नहीं फोर, ऑप्शन नंबर फोर फुलिश। ठीक है, और 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, और लास्ट 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। तो ये था हमारा सेट जे का क्वेश्चन क्लास 6 का। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सेट के की ओर। क्लास 6 का सेट के का आंसर की क्या है, तो मैं अभी वो बताऊंगा। सो गाइस, अब आ चुके हैं हम सेट के की ओर। तो जिन जिन का जो है, जिन बच्चों का जो है सेट के है क्लास 6 का, तो आप लोग जो है मैच कर लें अभी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सेट के बच्चे जो है मैच कर लें। तो नंबर वन ऑफ कोर्स, नंबर वन का जो है वो जो है टू आ जाएगा आंसर। इसका भी क्वेश्चन नंबर टू का जो है वो टू आ जाएगा आंसर। पैसेज है शुरुआत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फोर का हो जाएगा थ्री एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फाइव का हो जाएगा फोर रिसीव। क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा थ्री। क्वेश्चन नंबर सेवन का टू। क्वेश्चन नंबर एट का थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन का जो है इम्परेटिव। क्वेश्चन नंबर टेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर इलेवन का जो है इलेवन का जो है वो डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन का हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा हमारा थ्री फ्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा हमारा सेकंड। ठीक है, जो मैं रेड पेन से टिक करा हूँ वही आंसर है, ब्लैक पेन से आपने जो देख रखा है टिक किया हुआ है वो आंसर नहीं है। मैं जो रेड पेन से बता रहा हूँ वो आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का याद रखना है टू। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा हो जाएगा थ्री एम डूइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा वन ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा वन काउवर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा टू। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा टू स्लीपिंग। ठीक है, 19 20 वगैरह पे बढ़ते हैं। 19 तो 19 का हो जाएगा वन। 20 का हो जाएगा, 20 का भी वन होगा। 21 का भी वन। 22 का हो जाएगा फोर। 22 का फोर नो आर्टिकल। ठीक है, 23 का हो जाएगा थ्री। 24 का हो जाएगा टू। 25 का हो जाएगा टू। तो ये था इंग्लिश का। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की ओर। मैथमेटिक्स पे 26 का हो जाएगा डी। 27 का हो जाएगा सी, मतलब यानी थ्री डबल। ठीक है, 27 का थ्री। 28 का थ्री। 29 का टू। 30 का ए। ठीक है, 30 का ए। 31, 31 का कितना होगा, 31 का होगा फोर। 32 का हो जाएगा फोर, 45 डिग्री। ठीक है, फोर 45 डिग्री।
अब आते हैं 33 पे। तो सेट के वाले बच्चे मैच करते जाएं, अपना मैथ्स का जो है पेपर वो मैच करते जाएं, आपको कोई मेहनत नहीं है और बिल्कुल सही आंसर है। तो उसके बाद आपका जितना भी होगा आपने बनाया होगा बिल्कुल सटीक जो है, आपका मार्क्स जो है आप निकाल सकते हैं इस आंसर की से। और कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं। आप अगर सॉल्यूशन का वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन का भी वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा 4, यानी डी 4। ठीक है, 34 का हो जाएगा हमारा 3, 34 का 3। 35, 35 पे बढ़ते हैं, 35 का हो जाएगा 4। 36 का हो जाएगा 1। 37 का हो जाएगा 4। ठीक है, 1 मिनट, 37। ठीक है, 37 कहाँ थे हम लोग, 37 पे। ये स्क्रीन स्प्लिट हो जा रही है बार बार। तो 37 के बाद आते हैं, 37 का हो जाएगा 4। 38 का यहाँ पे है 2। 39 का है 3। ठीक है, 39 का है 3। ठीक है, 40 का है, 40 का है 1। 40 का क्या है 1। 42 का क्या है, 42 का है 3। 42 का है 3। 43 का है 2। 43 का है 2। 44 का है, 44 का है, यहाँ पे मैंने बता चुका था अभी थोड़ी देर पहले जे सेट में बता रखा था कि इसका आंसर जो है ये आएगा 3,60,000। इस पे बोनस मार्क्स जो है सबको मिलेंगे। अब 45 पे बढ़ते हैं, 45 का जो है हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। 46 का आंसर हो जाएगा हमारा 3 फैक्टर्स ऑफ 24। 47 का आंसर जो है वो तो 4 हो जाएगा हमारा, 36। 47 का, 48 का हमारा 2 हो जाएगा, और 49 का सी हो जाएगा 50। 50, 50 का हो जाएगा 3। 50 का क्या हो जाएगा 3। 51, 51 का क्या हो जाएगा 2। 51 का क्या हो जाएगा 2। अब आते हैं 52 की ओर, 52 का हो जाएगा 2। 53, 53 का हो जाएगा, 53 का क्या हो सकता है, ए हो जाएगा। ठीक है, 53 का 1, 53 का 1 हो जाएगा। 54 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। 55 का ऑप्शन नंबर बी 2, 55 का ऑप्शन नंबर हाँ 2। 56 का भी ऑप्शन नंबर जो है 2 ही सही होगा। 57 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 58, 58 का ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 59, ये हुई ना बात, 59 के का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। 59 का ऑप्शन नंबर 4। 60, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है 60 का सही हो जाएगा। अब 61, 61 किधर गया, 61 का हमारा आंसर हो सकता है 3। 60 का हो जाएगा 3, तो 61 का भी 3, हाँ 61 का भी बिल्कुल 3 आंसर है। 62 का जो है, 62 का है 1। 63 का है 4। ठीक है, 4 आंसर है। 64 का है हमारा 4, 4 आंसर। 65 की ओर बढ़ते हैं, 65 का है 2 आंसर। 66 का है 4 आंसर। ठीक है, 66 का आंसर जो है 4। 67 का आंसर है 3। ठीक है, 68 का आंसर बताता हूँ मैं आपको, 68 का आंसर 3 है। 69 का आंसर है 3। 69 का आंसर क्या है, 3। ओहो, स्क्रीन स्प्लिट हो गई, 1 मिनट, स्क्रीन जो है स्प्लिट हो गई।
तो अब बढ़ते हैं, हम लोग थे 69 पे। 69 का क्या आंसर था? 3। 69 का आंसर था 3। 70, अब आते हैं 70 की ओर। 70, 69, 70, 70 का आंसर हो जाएगा 3 अप्रोक्स, ठीक है। 728 सेंटीमीटर क्यूब। 71 का आंसर हो जाएगा, वो है 4। 71 का आंसर क्या हो सकता है? 4। 72, अब 72 का है ऑप्शन वन, ऑप्शन नंबर वन जो है सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन जो है सही हो जाएगा। 75 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, तो उसका जो है ऑप्शन नंबर थ्री जो है सही हो जाएगा। तो ये था मैथ्स। अब आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज की ओर। तो जनरल नॉलेज का 76 का पहला एलिफेंट, दूसरा जो है हमारा बी विटामिन डी, तीसरा जो है वो ए, ठीक है, राजगोपालाचारी। फिर है इसका 79 का हो जाएगा ए, 80 का हो जाएगा ए, 1971। 81 का हो जाएगा बी, टू, 81 का टू, बी यानी टू, ठीक है। 82 का हो जाएगा वन, 83 का हो जाएगा वन, नाइट्रोजन। 84 की ओर बढ़ते हैं। 84, 84 का वन, 85 का थ्री, 86 का फोर, 86 का फोर हो जाएगा, ठीक है, जय विलास पैलेस। 87, 87 का हो जाएगा फोर। 85, 87 के बाद 88, 88 के का हो जाएगा टू, स्वीट पोटैटो। 89, 89 का हो जाएगा वन। 90 का हो जाएगा टू, ठीक है, 90 का टू हो जाएगा। 91 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, द सीड लिव्स आर ऑब्जर्व्ड बैक इन टू द सीड कोट। 92 का है फोर, 93 का है थ्री, 94 का है थ्री, ठीक है, मिलाते जाइए। 95 का है फर्स्ट स्पीडोमीटर, 96 का है फोर, 97 का है टू, 97 का है टू, ठीक है, 98, 99 और ये 100। 98, 98 में है ऑप्शन नंबर वन सही है, 99 का ऑप्शन नंबर वन रेंज सही है, 100 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। अब ये था सेट के क्लास सिक्स का। अभी दो सेट्स और बचे हुए हैं, एल और एम, तो काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है इसका। तो चलिए अभी अब एल और एम जो है वो सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अब हम आ रहे हैं कौन से सेट पे, हमने जे कर लिया, के कर लिया, तो अब बचा है एल और एम। तो ये सेट जो है, ये वाला सेट जो है, जिन जिन बच्चों के पास एल सेट का जो है पेपर है क्लास सिक्स का, तो वो लोग अपना अब आंसर की मैच कर ले, अपना जो है पेपर निकाल ले और आंसर की मैच कर ले। चलिए, सबसे पहला का आंसर मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। वन, ऑप्शन नंबर टू का हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर थ्री का हो जाएगा टू, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है जो बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर फोर का हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर फाइव का हो जाएगा वन, ऑप्शन नंबर सिक्स का, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स का हो जाएगा वन, क्वेश्चन नंबर सेवन का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन का हो जाएगा वन वन, क्वेश्चन नंबर एट का हो जाएगा फोर, क्वेश्चन नंबर नाइन का कितना हो सकता है? थ्री, क्वेश्चन नंबर नाइन का थ्री, क्वेश्चन नंबर टेन का टू, क्वेश्चन नंबर इलेवन का फोर, क्वेश्चन नंबर इलेवन का फोर। अब आते हैं, अब ये पैसेज है जो कि मैंने कितनी बार बता, दो बार बता दिया मैंने जे और के में, अब एल में फिर से बताना पड़ रहा है, ठीक है। टू इंग्लैंड, ये 13 का जो है हमारा टू आंसर हो जाएगा। 14 का, 14 का क्या होगा? 14 का होगा फोर, ठीक है, 14 का फोर। आई थिंक पैसेज तो सभी सही करके आते हैं, पैसेज किसका गलत होता है, ठीक है। 15 का थ्री एडजेक्टिव, और 16 का क्या होगा? 16 का होगा वन रिसीव, 17
सेंड का अपोजिट रिसीव होता है ना, मैसेज तो सेंड करते हैं सब व्हाट्सएप पे। सेंड का अपोजिट रिसीव, 17, 17 का 3, 18 का क्या हो जाएगा 2, 19 का क्या हो जाएगा 3, 19 का क्या हो जाएगा 3, 20 का क्या हो जाएगा 3, 21 का क्या हो जाएगा 3, 22 जल्दी से 22 का हो जाएगा हमारा 4, 23 का हो जाएगा हमारा फी, एक मिनट थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, 23 का, 23 का जो है वो 3 हो जाएगा फीट, 24 और 25, तो 24 का 2 और 25 का जो है हमारा 3। तो ये इंग्लिश का हमारा एल सेट का जो है कंप्लीट हो गया इंग्लिश का सॉल्यूशन। अब आते हैं मैथमेटिक्स पे, मैथमेटिक्स जो है सेक्शन बी का है, तो 26 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 3 into 5। 27 का आंसर जो है हमारा हो जाएगा 3, 28 का आंसर 3, 29 का आंसर ए, ठीक है, 30 का आंसर 4, 31 का आंसर भी हमारा 4, 32 का आंसर हमारा 2, 33 का आंसर जो है वो 4, 35 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 6 over 1/4%, ठीक है, 35 का आंसर जो है वो 3, 36 का आंसर जो है वो 3, 37 का आंसर जो है वो 3, 38 का आंसर जो है वो 4, 39 का आंसर जो है वो 1, 40 का आंसर अपन देख लेते हैं, 40 का आंसर जो है वो है 2। सो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आंसर की बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, और अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं 41 की ओर, 41 का हो जाएगा 1, 41 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, 42 का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 6000, ठीक है, 43 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 44 का आंसर 1, 45 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 45 का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, 46 का हो जाएगा 2, 46 का 2, 47 का हो जाएगा 3, 48 का हो जाएगा 1, 48 का 1, 49 का भी 1, एक्यूट एंगल, 50 का हो जाएगा हमारा 3, 50 का 3 और 51 का हो जाएगा 2, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 51 का 2। अब 52 का बात करते हैं, 52 का हो जाएगा 4, 55 का हो जाएगा बी, मतलब यानी 2, 55, एक मिनट मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 52 में आया था, हाँ 52 से बात करते हैं, 52 का हो जाएगा 4 और 53 ना, मैं 55 कहाँ बोलने लग गया, ठीक है, 53 का हो जाएगा 3, डबल सही है, 53 का 3, 54 का हो जाएगा 3, 19 आवर्स, 55 का हो जाएगा 2, 55 का 2, 56 का 1, 56 का 1, 57 का 4, 58 का जो है 4, 58 का जो है 4, 59 का, 59 का जो है 4, 60, बढ़ते हैं 60 की ओर, 60 का जो है हमारा 3 हो जाएगा आंसर, 60 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 60 का आंसर हमारा हो जाएगा 3, 61 का आंसर जो कि मैंने बता ही चुका है बोनस मिलेगा इसमें, बार बार क्या ही बताऊं, ठीक है, 62 का आंसर नंबर हो जाएगा 4, 63 का आंसर नंबर जो है 1, 63 का आंसर जो है 1, 64 का हो जाएगा 4, 65 का हो जाएगा 2, 65 का हो जाएगा 2, 66 का हो जाएगा
367 का हो जाएगा, 368 का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा 2, 68 का क्या होगा आंसर 2, 69 का भी 2 ही होगा, 60%, 75 नहीं होगा, ठीक है। और 70 का ए होगा आंसर, ये 3 मार रखा है किसी ने, गलत हो गया बेचारे का, ठीक है कोई नहीं। 71 के बढ़ते हैं, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 71 का 3, 72 का 2, 73 का 2, 74 का जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक मिनट, 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 74 का मैंने क्या बताया, 2। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जनरल नॉलेज पे। ओहो, तो 76 का क्या है, 4। जनरल नॉलेज में पहला क्वेश्चन 76 का हो जाएगा स्केटबोर्डिंग, 4। 77 का पद्म भूषण, इसका विश्वन विश्वनाथनंदन। 79 का रेंज मतलब 1, 79 का 1। 80 का 4, 81 का 4, मुझे आंसर्स याद हो गए। 82 का जो है 3, 82 का जो है 3, 83 का 3, ठीक है। 84 का 1, 85 का 1, 86 का 2, 87 का हो जाएगा क्या हमारा 1, राजगोपालाचारी, ठीक है। 87 का 1, 88 का भी 1, 89 का, 89 का क्या होगा, 89 का 1, 1971। 90 का, 90 का 2, ठीक है। 92 का नाइट्रोजन, 92 का 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए, 94 का ऑप्शन नंबर, 94 का ऑप्शन नंबर 3, हुगली। 94 का ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर 4, जयविलास पैलेस। 96 का जनकपुर, ये अयोध्या किसने कर दिया यार, अयोध्या में तो उन्होंने लाया था उनका, क्या ही बताऊँ, जनकपुर में शादी हुआ था। तुमने पूरे लॉकडाउन रामायण देखा है यार, ऐसा मत किया करो, अयोध्या में शादी करवा दिया राम जी का, जनकपुर में हुआ था। 97, अभी मैंने 96 बताया ना, हाँ 96 का 4, 97, 97 का हो जाएगा 2, 98 का हो जाएगा 1, 99 का क्या हो जाएगा 2, सरयू 99, और लास्ट जो है 100, तो 100 का हो जाएगा 1, और क्या, 100 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजनिंग इंटेलिजेंस की ओर, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको और नेक्स्ट सेट में चलेंगे, फाइनल सेट में हमारा। तो रीजनिंग में जो है फर्स्ट का हो जाएगा 4, बिल्कुल सही जिसने भी किया है, ठीक है। 102 में हो जाएगा 4, 103, 103 में हो जाएगा 1, 104, 104 में हो जाएगा 4, हाँ सही है। 105 में क्या हो सकता है, 105 में 4, 106 में 3, 106 में हो जाएगा 3, 107 में क्या होगा, 107 में हो जाएगा 3, 108 में हो जाएगा 4, 108 में क्या होगा 4, वो एक मिनट एक मिनट, 108 में हो जाएगा, 108 में मैंने बता रखा है 4 होगा, 109 में हो जाएगा 3, तो 110 में होगा सी, गंगा, ठीक है। अब सही है, गलती हो जाती है। 111 में हो जाएगा 4, 112 में हो जाएगा, 112 में 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 113, 113 का मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, 113 में ना ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिल्कुल सही है। 114 में, 114 में ऑप्शन नंबर 1, 115 में ऑप्शन नंबर 1, और 116 में ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर्स हैं। ऑप्शन नंबर 117 में ऑप्शन नंबर 3, 118 में ऑप्शन नंबर बी, और 119 में ऑप्शन नंबर डी,
119 में ऑप्शन नंबर डी, 120 में ऑप्शन नंबर टू, 121 में ऑप्शन नंबर टू, ठीक है, 122, हो 122, 122 में ऑप्शन नंबर टू सही है, 123 में है ऑप्शन नंबर थ्री, 124 में है ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, और 125 फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर थ्री। तो चलो, कौन कौन से सेट कंप्लीट हो गए हमारे? जे सेट कंप्लीट हो गया, जे सेट, के सेट और एल सेट जो है। तो ये बच्चे खुश हो जाओ, अपने जो है आंसर की मैच कर लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना जो है मार्क्स आपने स्कोर किया है। तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करें कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है, चाहे कम हो या ज़्यादा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अब लास्ट सेट जो है, जिन 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 बच्चों का एम सेट है, घबराओ नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिन जिन बच्चों का जो है एम सेट है उनको घबराना नहीं है, मैं अभी तुरंत जो है उसका आंसर की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो, अब एम सेट का जो है आंसर की मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो गाइज अब आ गए हैं हम लोग लास्ट सेट, फाइनल सेट है हमारा एम सेट, इसका सॉल्यूशन करने, क्लास सिक्स का जो है एम सेट का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, आंसर की बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश का फर्स्ट का हो जाएगा फोर, सेकंड का हो जाएगा थ्री एडजेक्टिव, ठीक है, मैं रेड पेन से, रेड कलर से जो वो ट्रिक टिक कर रहा हूँ वही आंसर है, ठीक है, थ्री का वन, फोर का हो जाएगा टू, फाइव का क्या होगा, फाइव का हो जाएगा टू, फाइव का टू, सिक्स, सिक्स का हो जाएगा फोर, सेवन, सेवन का क्या होगा, थ्री, सेवन का हो जाएगा थ्री, एट का, एट का हो जाएगा टू, नाइन का हो जाएगा टू, टेन का हो जाएगा वन हेड, ठीक है, इलेवेंथ का क्या होगा, इलेवेंथ का हो जाएगा वन, सॉरी एक मिनट एक मिनट, ये तो मैंने ट्वेल्थ मार दिया, इलेवेंथ का यहाँ पे वन हो जाएगा, ट्वेल्थ भी सही मारा है, ट्वेल्थ भी क्या होगा, वन ही होगा, और थर्टीन भी क्या होगा, वन ही होगा, कावर्ड, मैच करते जाओ आप लोग, थर्टीन जो जो एम सेट के हैं, ठीक है, थर्टीन के बाद आ जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन का वन है, फोर्टीन का वन है, फिफ्टीन का क्या है टू, सिक्सटीन का है बी यानी टू स्लीपिंग, सिक्सटीन का क्या होगा टू, सिक्सटीन का टू, सेवनटीन का थ्री है फ्लीट, सेवनटीन का है थ्री, एटीन का है टू, एटीन का है टू, नाइनटीन का है थ्री, आप भी अपना मैच करते जाओ, ट्वेंटी का है, ट्वेंटी का है थ्री, 21 का है टू, 22 का है थ्री सिंगुलर, ठीक है, 23 का है, ठीक है, 23, हाँ 23 का थ्री, 24 का है थ्री और 25 का है फोर, ठीक है, 25 का क्या है फोर, 25 का है फोर। अब आते हैं मैथमेटिक्स जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है उसमें, ठीक है, इसी में तो टाइम लगता है बताने में। तो 26 का जो है वो थ्री आ जाएगा, 26 का आंसर जो है वो थ्री है, 27 का भी आंसर क्या है, ऑब्वियसली थ्री है, 27 का भी आंसर थ्री है, 28 का आंसर थ्री है, 29 का आंसर फोर, 30 का आंसर वन, ठीक है, 30 का आंसर क्या है वन, 31 का आंसर टू है, 31 का आंसर टू है, 32 का आंसर अब क्या होगा, 32 का आंसर जो है वन हो जाएगा, और 33 का आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 36,000, 34 का आंसर, 34 बोनस, चारों सेट में बता दिया, 34 में बोनस मिल जाएगा, ऐस कीजिए आप लोग, 34 का जो है वो फ्री का मार्क्स ऐड हो चुका है, हर बार गलत होते ही होते हैं एक क्वेश्चन तो इसके, 35 का जो है फोर है, 36 का जो है वो थ्री है, 37 का जो है वो फोर हो जाएगा आंसर, ठीक है, इस बार का पेपर भी काफ़ी इजी है, 38 का अगर बात करें तो टू,
नाइन का हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। 40, अब 40 में आते हैं, 40 40 किधर, 40 40 का जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, 1/6। 41 का क्या है, 41 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। 42 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट, नहीं इसका 4 आंसर सही है, 42 का 4, 43 का 3, 44 का भी 3 आंसर सही हो जाएगा, 45 का 2, 46 का 1, 47 का 4, 47 का आंसर जो है 4 सही है, 48 का, 48 का ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, 49 का जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है, 50 50 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर 4, 3:5 जो है वो यहाँ पे सही है। और अब बढ़ते हैं 52 की, और 52 का हो जाएगा 3। 53 का कितना होगा, 52 के बाद 52 का हो जाएगा 3, 53 का भी 3, 54 का ए, 54 का है, 55 का 4, 55 का क्या सही है, 55 का 4, 56 का 4, और 57 का हो जाएगा 2, 58 का क्या हो जाएगा, 58 का 4 हो जाएगा, एक मिनट, 58 का क्या हो जाएगा, 58 का 4 और 59 का, 59 का 3। अब आगे बढ़ते हैं, 59 तो हो गया हमारा, 60, 61, 60 है हमारा 2, 61 है 1, 61 है क्या, 1, 61 क्या है 1, 62, 62 है 3, 63 है 2, ठीक है, 62 है 2, 64, 64 का हो जाएगा 2, 65 का हो जाएगा 2, ऑप्शन 150 डिग्री, 66, 66 का हो जाएगा 3, 77 डिग्री, 67, 67 का हो जाएगा 4, 68 का हो जाएगा 1, 69 का हो जाएगा 4, एक मिनट यहाँ नहीं, 69 का हो जाएगा 4, 69 का हो जाएगा 4, 70 का हो जाएगा 2, 71 का हो जाएगा 3, 71 का हो जाएगा 3, 72 का हो जाएगा 1, 73 का भी हो जाएगा 1, एक्यूट एंगल, 74 का हो जाएगा 3, ओनली एंगल सी, और 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैथ का उसका 2। अब आ गया जनरल नॉलेज हमारा, जनरल नॉलेज में 76 का ए, 77 का बी, मतलब 76 का 1 और 77 का 2, ए बी यानी मतलब 1 2 ही मान लीजिए, ठीक है। अब 78 का जो है 1, 79 का जो है 1 और 80 का भी 1, तीनों का लगातार 1 1 1 जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस 81 का जो है विटामिन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 81 का बी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 का 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका होमी एच जे भाभा, 83 का 1, 83 का जो है 1 हो जाएगा, 84 का, 84 का स्केटबोर्डिंग फोर्थ, 85 का जो है पद्म विभूषण ऑप्शन नंबर 2, 86 का 1, 87 का जो है, 87 का भी जो है 1 हो जाएगा, 87 का भी 1 हो जाएगा, 87 का 1, 88, 88 का 4, 89, 89 का जो है कैमल यानी 4, 90 का 3, 91 का 3 सिक्किम, 92 का जो है स्पीडोमीटर, अरे यार ओडोमीटर किसी ने मार रखा है इसमें, स्पीड जो है स्पीडोमीटर से नापी जाती है, समझ गए। 93, 93 का जो है वो 1 आ जाएगा, 94 का जो है वो 2 आ जाएगा,
95 का आ जाएगा ए वन, 95 का वन, 96 का जो है हमारा वन आ जाएगा, 97, 97 का क्या आएगा थ्री आ जाएगा हुगली, 98 का जो है फोर आ जाएगा, 99 का जो है फोर आ जाएगा जनकपुर, इसमें भी किसने अयोध्या तो ना मार दिया भाई, जनकपुर जो है अयोध्या तो उनका मायका था सीता जी का, वो तो शादी करके आई थी, जनकपुर में उनका शादी हुआ था, पिछले सेट में किसने अयोध्या ही मार रखा था शादी का, तो ऐसा मत करो भाई। तो समझ गए, 100 में 100 का हो जाएगा स्वीट पोटैटो टू। ओके अब आते हैं नेक्स्ट रीजनिंग यानी इंटेलिजेंट, जो कि लास्ट है हमारा ये सेट एम का, ठीक है। तो रीजनिंग का देख लेते हैं क्या क्या है। 101 में ऑप्शन नंबर जो है वन सही हो जाएगा, 102 में भी वन ही सही हो जाएगा, 103 में जो है थ्री सही हो जाएगा, 104, 104 का थ्री सही हो जाएगा, 105 का हो जाएगा दो सही, ठीक है। 106, 107, 8, 106 का चार सही, एक मिनट आ जाता है, 104 सही, 107 का जो है वो टू सही, 108 का जो है वो भी टू सही, ठीक है, 108 का भी टू सही, 109, 109 का चार सही, 110 का चार सही, 111 का पहला सही हो जाएगा, 112 क्या चौथा नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, 113 क्या, 113 का जो है वो दूसरा नंबर सही हो जाएगा, मैच करते जाइए आप लोग, 114 का, 114 का जो है वो ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो हमारा करेक्ट होगा, 114 का, 115 का, 115 में अपन आ चुके हैं वो है फोर्थ, 116 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट होगा, 117, 117 का जो ऑप्शन नंबर फोर, 118 का ऑप्शन नंबर थ्री, 119 का ऑप्शन नंबर थ्री जो है वो रिस्पेक्टिवली करेक्ट है, ठीक है। 120 का ऑप्शन नंबर फोर, 121 का ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री जो है करेक्ट है, ऑप्शन 122 का भी ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है, 123 का हमारा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है, 124 का ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा टू करेक्ट है, और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर 125, इसका ऑप्शन नंबर वन जो है सही है। तो ये था सॉल्यूशंस जे के एल और एम, ये चारों सेट्स का मैंने सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में यानी आंसर की जो है एक ही वीडियो में मैंने दे दिया है आपको, आपको कोई दूसरे वीडियो में जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा या फिर कोई आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि मेरा सेट जो है डिफरेंट है मैं क्या करूँ। आपका जो भी सेट है, जे सेट है या के सेट है या एल सेट है एम सेट है, एक ही वीडियो में आपको मिल गया। आपका के सेट है तो जे पार्ट वाला जो है जे सेट का जो है वीडियो आप स्किप करके देख ले, के अगर के है तो, अगर एल है तो जे और के का स्किप कर दे, और एम है तो सबसे लास्ट पार्ट जो है वीडियो का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर मैच कर लीजिए एक ही वीडियो से और बिल्कुल सटीक है, और जितना भी आपका आंसर आता है वो मतलब जितना भी आपका मार्क्स आता है टोटल वो आपको कमेंट करके बताना है कि कितना मार्क्स आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।